Hello and good morning all of you. Now this is your Anjali ma'am. It's pleasure to meet you again. And today it's story time. And today I have brought something new for you. Yes, today is story time na. So today ma'am will make you learn about the story The Elephant's Friends. So every story has a meaning and we learn good things from the story. So this is the purpose of our story, that we should learn something new. So now I'm going to narrate a story, The Elephant's Friend. So who is he? Ye kon hai? He is my friend. Do you know? He is my friend and his name is Jumbo. Now today I'm going to narrate a story about elephant friends. So listen to me attentively, okay? One day the elephant wandered into a forest in search of friends. एक बार आपको पता है एलिफेंट जंगल में घूम रहा था क्या करने के लिए? अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि एलिफेंट का कोई भी फ्रेंड नहीं था. तो एलिफेंट किसके साथ प्ले करता? देन ही saw अ मंकी ऑन अ ट्री. तो एलिफेंट ने सबसे पहले क्या देखा? मंकी को देखा. एंड ही बिकम हैप्पी. ही बिकम्स हैप्पी. ये खुश हो जाता है एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट ने सोचा कि मंकी अब इसका फ्रेंड बन जाएगा. देन Will you be my friend? क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? Asked the elephant. Elephant ने पूछा. Then you are too big. तुम बहुत बड़े हो. You cannot swing from the trees like me. तुम मेरी तरह ट्री पर स्विंग नहीं कर सकते हो. ट्री से स्विंग नहीं कर सकते हो. Replied the monkey. मंकी ने आंसर किया. फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे अब एलिफेंट, नाउ द एलिफेंट मैट अ रैबिट. अगले दिन क्या हुआ? अगली बार एलिफेंट जो है एक रैबिट से मिला. फिर वो हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो क्या सोचता है कि अब रैबिट मेरा फ्रेंड बन जाएगा. एंड आस्क हिम टू बी हिज फ्रेंड. क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? देन द रैबिट सेड यू आर टू बिग. कि तुम बहुत बड़े हो. टू प्ले इन माय बरो. तुम मेरे बरो में, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर तुम मेरे साथ प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा बरो तो छोटा है और तुम इतने बिग हो, तो तुम कैसे आओगे? देन द एलिफेंट मैट अ फ्रॉग. फिर एलिफेंट किससे मिलता है? फ्रॉग से मिलता है. विल यू बी माई फ्रेंड? ही आस्क्ड. एलिफेंट ने क्या पूछा? क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? Then, how can I? मैं कैसे बन सकता हूँ? Asked the frog. You are too big to leap about like me. तुम तो बहुत बड़े हो. Then the elephant was upset. अब elephant क्या हुआ? Upset हो गया, sad हो गया, क्योंकि सबने उससे friendship करने से मना कर दिया ना. He met a fox next. अगली बार वो किससे मिला? Fox से मिला. ये देखिए, फॉक्स से मिला. उसके बाद एलिफेंट ने फॉक्स से पूछा, विल यू बी माई फ्रेंड? क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? देन द फॉक्स सेड, सॉरी सर, यू आर टू बिग. तब फॉक्स ने बोला कि सर आप बहुत बड़े हो, मुझे आपसे फ्रेंडशिप नहीं करनी. देन द नेक्स्ट डे द एलिफेंट सा ऑल द एनिमल्स. द एलिफेंट सा All the animals. Elephant ने इन सभी animals को देखा. ये क्या कर रहे थे? ये run कर रहे थे fast fast. Because the elephant saw all the animals in the forest running for their lives. क्यों? ये क्यों run कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पर कौन आ गया था? वहाँ पर the king of the jungle, lion आ गया था वहाँ पर. तो lion को देखकर सभी animals डर गए और सभी animals ने run करना शुरू कर दिया. The elephant asked them what the matter was. क्या हो गया है? तो तब bear ने reply किया कि there is a lion in the forest. जंगल में एक शेर है and he is trying to gobble us all up. कि वो हम सबको gobble कर लेगा.
So the animals all ran away to hide. तो सभी एनिमल्स क्या कर रहे थे? अपने आप को छुपाने के लिए वो रन कर रहे थे. वो छुपना कहीं चाह रहे थे ताकि लायन उसको नहीं देख सके उन सबको. द एलिफेंट वंडर्ड व्हाट ही कुड डू टू हेल्प एवरीवन इन द फॉरेस्ट. एलिफेंट ने कहा कि वो क्या कर सकता है आप सबके लिए. मीनवाइल इसके बीच में क्या होता है, द लायन कैप्ट अप whoever he could find. तब लायन ने क्या करा, उसको जो भी मिल रहा था उसने उसे खाना स्टार्ट कर दिया. द एलिफेंट वॉकड अप टू द लायन. एलिफेंट लायन के पास आया और एंड सेट और पूछा उससे, कहा प्लीज मिस्टर लायन डू नॉट ईट अप दीज पुअर एनिमल्स. कि तुम बेचारे एनिमल्स को क्यों खा रहे हो, इनको मत खाओ. देन द लायन growled loudly, बड़ी तेज से इसने आवाज़ की. बट द एलिफेंट मेड अ लाउड नॉइस. एलिफेंट ने बहुत तेज शोर मचाया. स्टॉम्प्ड हिज फुट वेरी हार्ड और बहुत तेज तेज अपने फुट को स्टॉम्प्ड किया, आगे बढ़ा. एंड चेस द टाइगर अवे, और टाइगर के पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया. द फ्राइटेंड लायन के पीछे भागना शुरू कर दिया. द फ्राइटेंड लायन रैन फॉर हिज लाइफ. अब ये डर गया, इसने भागना शुरू करा और एलिफेंट भी इसके पीछे भागना शुरू करा. अब एलिफेंट इतना बिग था कि लायन उसको देख के डर गया और वहाँ से भाग गया. तब क्या हुआ, द एलिफेंट वॉक्ड बैक इनटू द फॉरेस्ट. एलिफेंट जंगल में वापस आया टू अनाउंस द गुड न्यूज़ टू एवरीवन. सबको अच्छी खुशखबरी, क्योंकि लायन भाग गया था ना, वो गुड न्यूज़ देने के लिए वो जंगल में वापस आया. ऑल द एनिमल्स थैंक द एलिफेंट. इन सभी एनिमल्स ने एलिफेंट को थैंक यू बोला. दे सेड यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आर फ्रेंड. उन सब ने पता है आपको लास्ट में क्या बोला, पहले वो क्यों नहीं फ्रेंडशिप कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि तुम बहुत बिग हो, बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, इसलिए कोई इससे फ्रेंडशिप नहीं कर रहा था. लेकिन एट लास्ट में सभी एनिमल्स ने क्या बोला कि तुम्हारा जो साइज़ है बिल्कुल सही साइज़ है हमारा फ्रेंड बनने के लिए. तो बस आज आपने स्टोरी से क्या लर्न किया, व्हाट डिड यू लर्न टुडे, आपने क्या सीखा. सो साइज़ डजंट मैटर, सम आर बिग सम आर स्मॉल. कि साइज़ कभी भी मैटर नहीं करता है. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिटीज़. अलग अलग लोगों में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है. वैसे तो सभी में गुड क्वालिटीज़ भी होती है, बैड भी होती है. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते. हमें उसकी बैड जो भी उसकी क्वालिटीज़ है उसको नेगलेक्ट करना चाहिए, उसकी गुड क्वालिटीज़ पे फोकस करके उसको अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए. तो बस आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा, नाउ टेल मी, आप यहाँ पर इतनी सारी पिक्चर्स वॉच कर रहे हो ना, आपने देखी है ना, इसमें आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन लग रही है, टेल मी. एनिमल सेम है, ये तो सब एनिमल्स है आई नो, लेकिन इसमें कौन सी चीज़ है जो न्यू है, जो थोड़ी डिफरेंट है आज, आप जो थोड़ी सी कॉमन है बताइए आप. वो ये है कि इसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो कौन से कलर के हैं, दे आर ग्रे इन कलर. कौन से कलर के हैं, ग्रे कलर, यस. तो नाउ अब मैम आपको बताएंगी हाउ कैन वी मेक ग्रे कलर. ओके, सो अगर हम ब्लैक कलर को व्हाइट के साथ, ओके, अगर हम ब्लैक कलर को लाइक जैसे मैम ने येलो ले लिया, अब मैम ने यहाँ पर लिया है पहले ब्लैक, इसके साथ मैम ने नाउ आई विल मिक्स व्हाइट विद ब्लैक कलर, तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, डू यू नो, ग्रे कलर. सो इफ यू मिक्स ब्लैक एंड व्हाइट कलर टुगेदर देन वी विल गेट ग्रे कलर एंड दीज ऑल एनिमल्स आर ऑफ ग्रे कलर. ये सब ग्रे कलर के हैं. सो नाउ आई होप कि आपको मैम आपने इंजॉय की होगी आज मैम की क्लास, आपने कुछ डिफरेंट भी सीखा है. तो मैम ने आपको ग्रे कलर बताया है,
अब आपको क्या करना है, यू कैन मेक सम क्लाउड्स और आप उसमें ग्रे कलर कर सकते हैं। आप कुछ भी डिफरेंट सा बनाइए और उसमें ग्रे कलर करके देखिए। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू गो, बट मैम विल कम बैक वेरी सून। सो टेक केयर एंड गुड बाय।